हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर ईवीएस क्लास। सो बेटा, इन ईवीएस अवर लेसन नंबर 21, लेट्स से वाटर दैट इज गोइंग ऑन, है ना? यस और नो? यस। सो टुडे इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अवर हाफ रिमेनिंग लेसन। ओके, सो यू ऑल आर रेडी? ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर ऑन दिस पेज। सो just like madho saroj also faces water scarcity in her house. yes, so now beta, here what is saying to us? he is saying to us ke just like madho, okay, saroj, here saroj is a girl, okay, so just like madho saroj also faces water scarcity in her house. yes, she lives in ramnagar. so where she lives, where saroj lives, so she lives in रामनगर। ओके, वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। ओ माय गॉड, एंड इन हर विलेज, ओके, इन सरोज विलेज, ओके, वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। ओ माय गॉड। सी बेटा, यू नो, इन आवर एरिया, है ना, ऑन आवर हाउस, यू नो, वाटर का जो सप्लाई है, यू नो, वो तो 24 आवर होता है, राइट? सो यू नो, हम जब चाहे तब वाटर का यूज़ करते हैं पूरे डे, बट जहाँ पर सरोज रहती है, वह सरोज लीव, वहाँ पे जो वाटर का सप्लाई है ना, वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर, राइट? ओनली हाफ एन आवर के लिए सप्लाई होता है। सो सोचो, मीन्स उन्हें तो कितना कम पड़ता होगा ना वाटर, और पता नहीं कैसे वो लोग, यू नो, भरते होंगे, कितना पानी भर पाते होंगे, क्या करते होंगे, है ना? यस, बिकॉज वो वहाँ पर जो वाटर है वो ओनली हाफ एन आवर के लिए आता है, राइट? यस, ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ओनली ऑन अ सिंगल टैप। ओ माई गॉड। एंड वन मोर थिंग इज यर सेइंग के ऑल द पीपल ऑफ दैट एरिया, मीन्स वेयर शी लिव, ओके, ऑल द पीपल ऑफ दैट एरिया डिपेंड ओनली ऑन अ सिंगल टैप। सी, एक तो हाफ एन आवर ही पानी आता है, ठीक है, ऊपर से उसके जहाँ पर सरोज रहती है उस एरिया में ओनली वन टैप इज देयर, ओके, सो वहाँ के जितने भी लोग हैं सभी ओनली उसी टैप पर, यू नो, डिपेंड है, राइट? सो कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स? सो हियर वॉट इज आस्किंग टू अस बेटा, हियर आस्किंग टू अस, हियर सेइंग टू अस के कैन यू इमेजिन की वॉट हैपन्स? सो बेटा, यस, हियर वी कैन इमेजिन की मीन्स कितनी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते होंगे ना, यू नो, हमारे वहाँ तो हमारे मीन्स हमारे ओनली, अगर हम खुद की बात करें, अगर हम पर्सनली, सो हमारे खुद के एक घर में अगर हम काउंट करें तो आई थिंक 10 to 12 टैप्स होंगे हमारे पूरे घर में, राइट? यस, बट वहाँ तो पूरे एरिया में एक ही टैप है और सारी पीपल्स उसी का यूज़ करते हैं। सो वी कैन हियर इमेजिन बेटा, वी कैन थिंक कि आई थिंक वो मीन्स वाटर ड्रिंक कर सके, पी सके, उतना भी वाटर वो नहीं फेच कर पाते होंगे, राइट? यस। सो नाउ लुक एट डाउन साइड बेटा, सो हियर वन क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज आस्किंग टू अस हियर। सो थिंक एंड राइट, सो लेट्स सी क्वेश्चन, what are the difficulties faced without water? yes, so beta, in this question what is asking to us? so here asking to us ke what are the difficulties faced without water? so beta, we can face so many difficulties without water, hai na, we know very well, right? yes, you know, hame jo hai drink karne ke liye nahi hoga, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए नहीं होगा, हमारे क्लोथ्स वॉश करने के लिए नहीं होगा, है ना, हमें खुद को बाथिंग वगैरह करने के लिए नहीं होगा, ब्रशिंग के लिए नहीं होगा। सो बेटा, देर आर सो मैनी रीजन्स, देर आर सो मैनी डिफिकल्टीज वी फेस विदाउट वाटर, राइट? सो बेटा, हियर यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू। सो हियर फोर बॉक्सेस हैज गिवेन हियर, ओके, सो हियर इन दीज फोर बॉक्स यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज सभी के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, एंड जो भी आपको ज़्यादा डिफिकल्टी लगती है कि नहीं ये मेन है या फिर ये, सो हियर यू हैव टू राइट डाउन दैट, ओके, सो एवरीवन गॉट इट व्हाट यू हैव टू डू हियर? ओके, सो ना, ओके, सो डाउन साइड, सरोज इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। यस, नाउ बेटा, हियर व्हाट इज मीन बाय डिटरमाइंड? डिटरमाइंड मीन्स, यू नो, डिसीजन लेना, ओके, सो सरोज इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। वेन एवर शी गेट्स अ चांस, शी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाई ड्रॉप। यस, सो नाउ बेटा, हियर व्हाट इज सेइंग टू अस? सो हियर सेइंग टू अस के सरोज इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, एंड वेन एवर शी गेट्स चांस, ओके, वेन एवर सरोज गेट्स चांस टू फिल वाटर इन हर बकेट, ओके, इफ इवन यू नो जस्ट ड्रॉप बाई ड्रॉप, अगर वो भले ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है तो भी वो जो है कि वाटर जो है वो फेच करती है, फिल करती है, ओके, यस। सो नाउ बेटा, लुक एट हियर डाउन साइड मेजर एंड राइट। सो हियर वी हैव टू डू मेजरिंग, ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डाउन अवर आंसर। सो बेटा, हियर सो मेनी क्वेश्चंस हैज गिवन हियर, सो वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज ऑल क्वेश्चन, ओके,
So first of all, let's see what is written here. So how much time will it take to fill? Okay, so now beta, here so many pictures has given here, four pictures has given here, okay. And in these pictures we can see ki four different things has given here, right? Like in first picture spoon is there, in second picture bowl is there, in third picture bucket is there, and in fourth picture in third picture mug is there, and in fourth picture bucket is there, okay. So now here what is asking to us here, asking to us ke how much time will it take to fill, okay, means these all things, okay, how much time these all things will take to fill, okay. Yes, so now let's see one by one question, okay. And after measuring this, okay, after measurement here so many questions has already written here. So first of all we have to do measuring, okay, and after measuring we have to give the answer of these all questions, okay. So beta yahan pe sabhi ke answers different ho sakte hain, because that depends on things, that thing size, because वो thing के size पे depend करता है कि आपका spoon कितना बड़ा है, bowl कितना बड़ा है, okay. Then too let's give our answer, okay. Yes, so now beta look at here first picture. So spoon is there, okay. So question is already written here. So question number one, how many drops will fill a spoon, okay. So here in this question beta, what is asking to us? So here asking to us ki how many drops will fill a spoon, okay. So how many drops will fill a spoon? So beta actually that is depends on spoon size, but agar hum ek normal spoon ki baat kare, so I think 10 drops will fill a spoon, right? So here 10 will come, okay. Yes, main normal spoon ke hisab se bata rahi hu, right? Yes. Now question number 2. So now beta here look at second picture. So second picture is of bowl, okay. So now let's see what is our question and what is asking to us. So question number 2, how many spoons will fill a bowl? Yes, so beta in this question what is asking to us, he asking to us ki how many spoons will fill a bowl, okay. So beta how many spoons will fill a bowl? So beta actually this is also depends on bowl size, ki uska size kya hai, kaisa hai. But then too if we will talk about one normal bowl size, okay. So here our answer will be ki I think 100 spoon will fill a bowl, okay. Yes, okay. So number 2 got it, okay. Now beta look at here third picture, okay, and third picture is of mug, okay. So now let's see one question is already written here. So let's see what is asking to us here in question number 3. So how many bowls will fill a mug, okay. एक जो मग है उसको कितने बाउल्स जो है मीन्स वो फिल करेंगे, ओके. सो बेटा हाउ मेनी बाउल्स विल फिल अ मग? सो दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मग साइज, बट देन टू इफ वी विल टॉक अबाउट वन नॉर्मल साइज मग, सो आई थिंक 10 बाउल्स विल फिल अ मग, ओके. सो हियर 10 विल कम, ओके. नाउ नंबर 4. So now beta look at here fourth picture and question is also given here. So let's see what is question number 4. So question number 4, how many mugs will fill a bucket, okay. So in this question what is asking to us? So in this question asking to us ke how many mugs will fill a bucket, okay. So beta how many mugs will fill a bucket? So actually this is also depends on a bucket size, but then too if we will talk about normal size bucket, so here we can say ke 10 mugs will fill a bucket, okay. So here 10 will come. So beta in first question 10 will come, in second question 100 will come, in third question 10 will come, and in fourth question also 10 will come, okay. So everyone got it, okay. So now on next page, okay. So now let's see what is given here on this page, okay. Yes, so let's see things and write. So just think, if a tap leaks even a drop, how much water would be wasted? Yes, so beta here one question is asking to us here, saying to us ke just think, okay, if a tap leaks even a drop by drop, okay, so how much water would be wasted? So beta we know very well na ke if a tap leaks even a drop by drop, then we can imagine and we can say ki a lot of water would be wasted, hai na. Yes, so now look at downside. So one question is already asking to us, so let's see what is asking to us here, okay. Yes, so think and write. So can you think the way of saving water, okay. So beta one more thing here, look at in this picture, one boy is there, okay.
एंड यू नो ही इज डूइंग ब्रशिंग. ओके, वो ब्रशिंग कर रहा है और उसने क्या किया है, टैप को ओपन करके रखा है ना. यस, एंड उसके इस टाइप उसके यू नो बैक साइड जो टैप है उसमें से वन वन ड्रॉप वाटर यू नो गिर रहा है. ठीक है, अगर ये वन वन ड्रॉप भी गिरेगा तो वी कैन इमेजिन बेटा के यू नो लॉट ऑफ वाटर वुड बी वेस्टेड है ना. यस, सो अगर 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 कोई टैप अगर घर में हमारे लीकेज हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें से वन वन ड्रॉप भी वाटर गिरता है तो हमें उसको ठीक करवाना चाहिए उस टैप को. ओके, बिकॉज वन ड्रॉप वाटर इज ऑल्सो यू नो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. यस, सो नाउ बेटा हियर लुक एट डाउन साइड, थिंक एंड राइट. सो हियर वन क्वेश्चन इज गिवन हियर, सो लेट्स सी व्हाट इज आस्किंग टू अस हियर. सो कैन यू थिंक द वेज ऑफ सेविंग वाटर? यस. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग टू अस? सो हियर आस्किंग टू यू हियर आस्किंग टू अस के कैन यू थिंक द वेज ऑफ सेविंग वाटर? यस. सो बेटा वी नो वेरी वेल देर आर सो मेनी वेज ऑफ सेविंग वाटर. ओके, राइट योर सजेशन बिलो. यस, सो नाउ हियर सो मेनी यू नो बॉक्सेस हैज गिवन हियर, सिक्स बॉक्सेस हैज गिवन हियर, एंड हियर वी हैव टू राइट डाउन our suggestion. okay, here we have to write down the ways of saving water, right. so beta you know there are so many ways of saving water, bahut sare ways hain you know jiski wajah se hum water ko save kar sakte hain. so beta here you have to write down your answer according to you. okay, here you have to write down the ways of saving water according to you. okay, but then I will also give my answer. okay, कि हाउ मेनी वेज ऑफ सेविंग वाटर. सो बेटा देर आर सो मेनी वेज ऑफ सेविंग वाटर. सो नंबर वन कि डोंट लीव टैप ओपन. जो टैप है उसको ऐसे खुला मत छोड़ो. ओके, वाइल ब्रशिंग डू नॉट ओपन टैप. जब भी आप ब्रशिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे जो टैप है उसको ओपन करके मत रखो. यूज अनयूज वाटर इन गार्डन, राइट. यस, नंबर फोर रिपेयर द लीकेज ऑफ पाइप्स. ओके, नंबर सिक्स यू नो नंबर फाइव यूज बकेट इंस्टेड ऑफ शावर. ओके, नंबर सिक्स यूज वेस्ट वाटर. जो जो हम वाटर को वेस्ट करते हैं ना उसका हम यूज भी कर सकते हैं. रीयूज वाटर, वाटर का रीयूज करके भी हम उसका यूज कर सकते हैं, राइट. यस, सो बेटा देर आर सो मेनी वेज ऑफ सेविंग वाटर. ओके, सो बेटा दिस वॉज माई आंसर, दिस वॉज माई ओपिनियन अकॉर्डिंग टू मी, बट हियर यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर अकॉर्डिंग टू यू. ओके, यस, गॉट इट वॉट यू हैव टू डू हियर. Okay, so now let's see next. So, write the names of places where you have seen water flowing unnecessarily. Yes. So, in this question, beta, what is asking to you? Here, what is asking to us? So, here asking to you, okay, write the names of that places where you have seen water flowing unnecessarily. Okay, yes. So, beta, here so many, spaces, blanks has given here. Okay. So, this is your personal question. Here, you have to write down your answer according to you. Agar aap कोई भी ऐसे प्लेस का नेम जानते हो जहाँ पर जो वाटर है वो अननेसेसरी फ्लो होता है, ठीक है. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट प्लेस. ओके, सो एवरीवन गॉट इट व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? ओके, गॉट इट. ओके, सो नाउ ऑन नेक्स्ट पेज. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर ऑन दिस पेज. ओके, यस, सो थिंक एंड टेल. Look at the picture given below. Yes. So here what is saying to us? He is saying to us, okay, look at the picture given below. Can we reuse water which we have used in one work for other work? Discuss it. Okay. Yes. So now, beta, here what is saying to us? He is saying to us, okay, can we reuse water which we have used in other work for which we used in one work for other work? So beta, yes or no? So yes, of course, and we can reuse water which we have used in one work for other work, right? Yes. So here saying to us, okay, discuss it. Okay, how? Okay. So beta, now here look at one picture is given here. Okay, in this picture you can see ki one woman is there. Okay, so here three pictures has given here. Okay, in first picture you can see one woman is there and you know she's carrying water pots. ठीक है, वो वाटर लेकर आ रही है. एंड इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी कि वन जो वाटर का पॉट है वो उसने यू नो ड्रिंकिंग के लिए रख दिया है. एंड जो दूसरा वाटर का पॉट लेकर आई थी उससे वो क्या कर रही है? बाथिंग कर रही है. ओके, सो बेटा यू कैन सी वो बाथिंग तो कर रही है अभी. यू नो वो जहाँ पर बैठ कर बाथिंग कर रही है वो खाट पर बैठ के, उसके नीचे देखो वहाँ पर एक और यू नो एक विड्थ माउथ वाला जो यू नो एक पॉट होता है वो रखा गया है. सो वो जब बाथिंग कर रही है तो जो जो वाटर है वो कहाँ उसमें गिर रहा है ना, दूसरे पॉट में, राइट. एंड इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी कि जो यू नो बाथिंग करने के बाद जो वो मीन्स उसने नीचे खाट के नीचे जो वो पॉट रखा था उसमें जो वाटर मीन्स बचा उसका यूजो कहाँ? एनिमल को वॉश करने के लिए, है ना, एनिमल की बाथिंग के लिए, ठीक है. यस, सो बेटा इन दिस वे वी कैन रीयूज वाटर. यस और नो, कर सकते हैं या नहीं? यस,
ओके यस। सो नाउ लेट सी। सो अगर पॉसिबल हो, वैसे पॉसिबल तो नहीं है बिकॉज वी ऑल लिव इन सिटी और यहाँ पे हमारे यू नो वाटर स्कार्सिटी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट देन टू हमें करना चाहिए, ठीक है, वाटर का रीयूज। ओके यस। बट दिस इज नॉट ओनली वन वे ऑफ वाटर रीयूज बेटा, देर आर सो मेनी वेज टू रीयूज ऑफ वाटर, राइट। बहुत सारे वेज हैं जिसकी वजह से हम वाटर का रीयूज कर सकते हैं, राइट। लाइक यू नो जैसे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉश करते हैं, ठीक है, सो उसका जो वाटर होता है, सो वो वाटर को हम फेंक देते हैं, बट उसका हम रीयूज कर सकते हैं, यू नो हाउ, वो जो वाटर है उसको हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, है ना। यस और नो? यस। सो देर आर सो मेनी वेज ऑफ रीयूज वाटर, ठीक है। सो वी ऑल हैव टू रीयूज वाटर। उसको फेंक देने से अच्छा है कि हम उसको वापस से यूज कर सके, ऐसा कुछ हमें सोचना चाहिए, है ना। यस। उससे क्या होगा, हम पानी का रीयूज भी कर लेंगे और पानी वेस्ट भी नहीं होगा, है ना। यस। सो दैट इज वेरी गुड आइडिया, है ना, रीयूज ऑफ वाटर, राइट। यस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। सो ड्रॉ लाइंस यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो व्हिच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। वन एग्जांपल हैज बीन गिवन। यस। सो नाउ बेटा, हियर व्हाट इज सेइंग टू अस, हियर सेइंग टू अस के ड्रॉ लाइंस मींस हियर यू नो सिक्स बॉक्सेस हैज गिवन हियर एंड हियर वी हैव टू ड्रॉ लाइंस, हियर वी हैव टू डू मैचिंग। ओके। सो हियर सेइंग टू अस के ड्रॉ लाइंस यूजिंग डिफरेंट कलर्स, ओके, टू शो व्हिच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर, ओके, आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। ओके। एंड हियर वन एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवेन हियर। सो बेटा, हियर इन थर्ड बॉक्स, ओके, जो ऊपर के थ्री बॉक्सेस हैं उनको नीचे के थ्री बॉक्सेस से मैच करना है। ओके। सो वन एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवेन हियर। सो लुक एट थर्ड बॉक्स, व्हाट इज रिटन देयर। सो वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओके। सो बेटा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वॉश करने के बाद जो वाटर होता है उसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं? सो अभी मैम ने आपको बताया था, उसको हम प्लांट्स एंड ट्रीज में डाल सकते हैं। ओके। सो सी, यहाँ पे उसकी मैचिंग भी उसी से की हुई है, वॉटरिंग प्लांट्स, है ना। यस। सो हम ऐसे करके वाटर का रीयूज कर सकते हैं। ओके। सो नाउ नंबर वन, इन फर्स्ट बॉक्स, लुक एट इन फर्स्ट बॉक्स, व्हाट इज रिटर्न हियर। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। फेस वॉश करने के बाद, हैंड्स वॉश करने के बाद जो वाटर होता है उसका हम रीयूज कहाँ कर सकते हैं? सो मीन्स लुक एट डाउन साइड, इन फर्स्ट बॉक्स, मोपिंग द फ्लोर, नो, फ्लोर क्लीन करने के लिए तो नहीं कर सकते। सेकेंड इज ऑलरेडी केम, एंड नाउ नंबर थ्री, यूजिंग इन द टॉयलेट। यस। सो बेटा, यू नो हैंड्स एंड फेस वॉश करने के बाद जो वाटर होता है उसको हम टॉयलेट में तो यूज कर सकते हैं ना, फिर उसका रीयूज भी हो जाएगा, फेंकने से तो अच्छा है ना, उसको वेस्ट करने से अच्छा है। ओके। सो अवर आंसर इज यूजिंग इन द टॉयलेट। ओके। यस। नाउ सो हियर यू हैव टू डू मैचिंग विद दिस, ओके, विथ नंबर थर्ड बॉक्स। ओके। नाउ नंबर टू, इन फर्स्ट लाइन, ओके, नंबर टू, वॉशिंग क्लोथ्स। ओके। क्लोथ को वॉश करने के बाद जो वाटर होता है, सो उसका हमें रीयूज कहाँ करना चाहिए या फिर कहाँ कर सकते हैं? सो नाउ हियर वन बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स इज ओनली रिमेनिंग, मोपिंग द फ्लोर। ओके। फ्लोर को क्लीन करने के लिए उसका हम यूज कर सकते हैं, राइट। यस। मीन्स फ्लोर पे पोता करने के लिए, राइट। यस। सो हियर यू हैव टू डू मैचिंग विथ फर्स्ट बॉक्स, मोपिंग द फ्लोर। ओके। सो एवरी वन गॉट इट कि हाउ यू हैव टू डू रीयूज ऑफ वाटर, है ना। यस। एंड दिस इज यू नो बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रीयूज ऑफ वाटर, बिकॉज ऐसे करके हम वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, है ना। वी कैन सेव वाटर, एंड हमारे लेसन का नेम भी तो यही है ना, लेट सेव वाटर। हमें वाटर सेव करना है, उसका वेस्ट नहीं। वी डोंट हैव टू वेस्ट वाटर, है ना। वी ऑल हैव टू सेव वाटर, बिकॉज जो वाटर है यू नो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। हम उसकी वैल्यू नहीं समझते इतनी, बिकॉज हमारे वहाँ पे वो अवेलेबल है 24 आवर्स। बट जो लोग ऐसे विलेज में रहते हैं या फिर ऐसे प्लेस में रहते हैं जहाँ पर उन्हें वाटर पीने के लिए भी नहीं मिलता है, सो उसकी वैल्यू तो वही समझते हैं ना। बट नो, हमें भी ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ 24 आवर वाटर अवेलेबल है तो हमें उसको उसका वेस्ट करना चाहिए। नो, हमें भी वाटर को सेव करना चाहिए। ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ गुड पर्सन, ओके, एज अ गुड ह्यूमन, वी ऑल हैव टू फॉलो दिस। ओके। यस। सो आज से सभी को डिसाइड करना है, अगर आप या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी वाटर का वेस्ट करता है, सो यू हैव टू इन्फॉर्म दैम अबाउट दैट। ओके। कि नो, हमें वेस्ट नहीं करना है, वी हैव टू सेव वाटर। ओके। यस। नाउ लुक एट डाउन साइड, लेट्स सी वॉट इज रिटर्न हियर। यू हैव लर्न अबाउट रीयूज ऑफ वाटर। यस, है ना। इन दिस लेसन बेटा, वी लर्न अबाउट रीयूज ऑफ वाटर। ओके। कि हाउ रीयूज ऑफ वाटर, ओके, हाउ रीयूज वाटर, राइट। यस। पीपल यूज दिस मैथड ओनली अंडर कंडीशन वैन देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वॉटर। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। सो हियर व्हाट इज सेइंग टू अस, हियर सेइंग टू अस के
पीपल यूज दीज मैथड, जो यू नो वाटर का रीयूज करने का जो मैथड है उसको उसको लोग उसको कब अपनाते हैं या फिर वाटर का रीयूज कब करते हैं? वैन द कंडीशंस, ओके, वैन ओनली अंडर द कंडीशंस वैन देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर की कमी होती है, पानी नहीं होता है, वही लोग उसकी वैल्यू समझते हैं. एंड वही जो है जहाँ पर स्कार्सिटी होती है वाटर की, पानी की कमी होती है, ओनली वही लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वाटर का रीयूज करते हैं, राइट. डू यू नो वन ऑफ द रीजन फॉर द स्कार्सिटी ऑफ वाटर is because people waste it. Yes, so here what is saying to us, he is saying to us ki beta, do you know one of the reason of scarcity of water, matlab पानी जो कम हुआ है या फिर पानी की जो कमी है उसकी क्या वजह है, क्या आपको पता है? सो दैट इज के देर आर सो मैनी पीपल, दे वेस्ट इट, ओके, दे वेस्ट वाटर, बिकॉज बहुत सारे पीपल ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाटर को वेस्ट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है ना. यस, सो दैट इज वाई बेटा वी डोंट हैव टू वेस्ट वाटर, है ना. यस, जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ एवरी वन गेट्स वाटर. यस, नाउ यू आर सेइंग टू अस के बेटा जस्ट थिंक, ओके, जस्ट इमेजिन इट के हाउ गुड इट वुड बी, ये कितना अच्छा होगा इफ एवरी वन गेट्स वाटर, अगर सभी को वाटर मिलेगा, है ना, किसी को भी पानी की कमी नहीं होगी, वाटर की कमी नहीं होगी, तो ये कितनी अच्छी बात होगी ना. जैसे हमें 24 आवर्स वाटर मिलता है ना, ऐसे ही अगर सारे जो जहाँ पे यू नो वाटर की स्कार्सिटी है, अगर सभी को, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल, है ना, ऑफ द अर्थ, ठीक है, मैं सभी अर्थ के सारे पीपल की बात कर रही हूँ, सारे लोगों की बात कर रही हूँ, कितना अच्छा होगा ना अगर सभी को वाटर मिले, किसी को पानी की कमी ना हो. सो बेटा वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो सकता है अगर हम वाटर का वेस्ट होने से बचा लें तो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हमें जो है वाटर का वेस्ट होने से बचाना है हमें, ओके, वी ऑल हैव टू सेव वाटर, है ना. यस, एंड वी ऑल हैव टू रीयूज ऑफ वाटर इफ दैट इज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना हमें वाटर को रीयूज करना है, एंड वी ऑल हैव टू सेव द वाटर, ओके. यस, सो एवरीवन गॉट इट दिस लेसन बेटा, एंड यू नो दिस लेसन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. यस, सो हियर ये जो हमारा लेसन है वो यहाँ पर फिनिश होता है. आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से और यू नो इजिली समझ में आया होगा. सो बेटा डोंट फॉरगेट कि वी ऑल हैव टू सेव वाटर, ओके, वी डोंट हैव टू वेस्ट वाटर, है ना. यस, सो बेटा थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.